हाय गाइज, मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं यूनिक आइडियाज़। तो गाइज, काफ़ी सारे ऐसे जो क्रिएटर होते हैं वो उनके मन में एक डाउट ज़रूर होता है, हमें रेगुलर वीडियो डालनी चाहिए नहीं, हमें वीक में कितनी वीडियो डालनी चाहिए, कितनी वीडियो डालनी सही है, और हमें रेगुलर वीडियो डालनी चाहिए या वीक में 2 या 3 वीडियो डालनी चाहिए। ये डाउट तो हर नए क्रिएटर के मन में होता है, और कई बार जो नए क्रिएटर है वो रेगुलर वीडियो डाल भी नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा जिसको देख के आपका भी माइंड एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, खासकर जो नया क्रिएटर है उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज, टाइम को ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जब भी हम चैनल शुरू करते हैं, यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी एनर्जी होती है, हम रेगुलर वीडियो डालते हैं, एक दिन में 4 से 5 जितनी वीडियो हम चाहे डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, हमें नई नई यूट्यूब जर्नी शुरू की होती है, तो हम जैसे होते हैं ना बॉर्डर पे चले गए तो पूरी फुल एनर्जी होती है, हम दिन में 2 या 3 वीडियो डाल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे चैनल हमारा पुराना होता है, हमारी वीडियो पे व्यू नहीं आते, हमारा चैनल ग्रो नहीं होता, सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आपको जो जितने भी क्रिएटर हैं उनके मन में एक डाउट ज़रूर होता है कि हमें रेगुलर वीडियो डालनी चाहिए, वीक में कितनी वीडियो डालनी चाहिए। ये डाउट हर नए क्रिएटर के मन में होता है, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने यूट्यूब आज से 2 साल पहले शुरू किया होता तो मैं आपको कहता आपको डेली 1 या 2 वीडियो डालो तो आपका चैनल जल्दी से ग्रो होगा। लेकिन आज के टाइम में अगर आप रेगुलर वीडियो डालोगे और बिना सोचे समझे डालोगे तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। इसका अभी थोड़ी देर में आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगा जिसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि अगर आज के टाइम में भी आप ऐसा करोगे तो आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा, चाहे आप लाखों वीडियो डाल लो। जी हाँ दोस्तों, लाखों वीडियो डाल लो। अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक चैनल है, रोने वान करके चैनल है, उन्होंने अपने चैनल पे 13 लाख वीडियो डाली है। दोस्तों कैन यू इमेजिन, 13 लाख वीडियो डाली है, और हर वो 1 मिनट में चाहे पता नहीं कितनी वीडियो डाल रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 1 मिनट में हर सेकंड में वो वीडियो डाल रहे हैं, और उन्होंने अब तक 13 लाख के प्लस वीडियो डाल चुके हैं। और इतनी वीडियो डालने के बाद अब उनके व्यूज़ देखो, 1 2 3 1 2 3 ऐसे व्यूज़ हैं, और उनके सब्सक्राइबर कितने हैं, 22,000 प्लस इतने सब्सक्राइबर है सिर्फ। 13 लाख वीडियो डालने के बाद भी उनके वीडियोस पे इतने व्यूज़, इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, और उनके सब्सक्राइबर देखिए कितने कम हैं। तो दोस्तों, इससे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में विश्वास रखिए। आपकी जो वीडियो को ग्रो करने, आपके चैनल को ग्रो करने में 1 या 2 वीडियो काफ़ी है। अगर आप 1 या 2 वीडियो एक अच्छी क्वालिटी की, एक अच्छे कंटेंट के साथ आप बनाओगे तो आपका चैनल 1 महीने में ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप डालते रहोगे, 13 लाख वीडियो डाल दो आप भी, तो आपके चैनल पे भी इतने व्यू आएंगे जितने इनके आ रहे हैं, और आपके सब्सक्राइबर भी बिल्कुल गेन नहीं होंगे, आपके चैनल भी बिल्कुल ग्रो नहीं होगा। तो आज के टाइम में आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में विश्वास रखना चाहिए। अपने कंटेंट आप हफ्ते में 1 वीडियो डालो चाहे, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो भी बंदा देखे वो वीडियो को पूरा देखे और लाइक किए बिना वो जाए ना, और आपके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाए ना। तो आज के टाइम में अगर आपने अपना चैनल ग्रो करना है तो आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में विश्वास रखना चाहिए। आप आज की डेट में जो जो भी नया क्रिएटर है वो यही भागा भागी में रहता है, यार हमने वीडियो डालनी है, जैसे मर्जी वीडियो डालनी है। हाँ, आज से अगर आप साल 1.5 साल पहले अगर आप अपना चैनल शुरू करते तो तब यूट्यूब पे एल्गोरिदम कुछ और था, तब क्रिएटर कम थे, लेकिन आज की डेट में इतने ज़्यादा क्रिएटर हो गए, इतनी भरमार हो गई है, कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट सबसे बड़ा मैटर रखता है। और अगर आपके कंटेंट अच्छा है, आपकी वीडियो क्वालिटी, वीडियो की जो कंटेंट आपका पूरा दमदार है, तो आपका चैनल 1 महीने में ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है और आपकी वीडियो क्वालिटी ऐसी ही है, जितनी मर्जी वीडियो डालते रहो आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। तो गाइज, जो भी नया क्रिएटर हैं वो एक टाइम टेबल बनाइए, चाहे हफ्ते में 2 वीडियो डाल दीजिए, चाहे हफ्ते में 1 वीडियो डालिए, लेकिन वो 1 वीडियो ऐसी होनी चाहिए आपकी कि जो भी बंदा देखे वो लाइक किए बिना जाए ना, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसकी जो ओवरऑल पूरी पूरा फुल ऑन पैकेज होना चाहिए, ताकि अगला बंदा उस वीडियो को लाइक करे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, और देखने वाला कहे यार वाकई ये वीडियो बहुत अच्छी बनाई है अगले ने। और अगर आप ऐसे डालते रहोगे फालतू के कंटेंट, कुछ भी डाल दोगे और आपको पता नहीं चलेगा यार क्या के, और देखने वाला भी उसको लाइक नहीं करेगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो उससे आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में विश्वास रखिए, तभी आपका चैनल जल्दी से ग्रो होगा। क्योंकि काफ़ी सारे क्रिएटर मैंने ऐसे देखे हैं, वो डेली वीडियो डालते हैं लेकिन उनका कंटेंट अच्छा नहीं होता, उनकी थंबनेल वीडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन वो डेली वीडियो डालते रहते हैं
और जिससे उनका चैनल ग्रो नहीं होता और उनके सब्सक्राइबर गेन नहीं होते, फिर वो यार सोचते हैं यार हमारा चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा, हम वीडियो तो डाल रहे हैं। वीडियो डालने से कुछ नहीं होता, वीडियो तो आप कुछ भी डाल दोगे लेकिन आपका कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा, लोग देखेंगे नहीं वीडियो को पूरा, उसको लाइक नहीं करेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपका चैनल कैसे ग्रो होगा। यही सारा फंडा है, आपका कंटेंट पूरा फुल ऑन पैकेज होना चाहिए तभी आपका चैनल ग्रो होगा। लोग आपकी पूरी वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब उसको आगे सजेशन में देगा, लोगों के सजेशन में देगा। तो सारा जो ओवरऑल आज के टाइम में जो डिपेंड है वो टोटली टोटली कंटेंट पे है। कंटेंट आपका अच्छा होगा तो चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, आपको किसी को कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमारा चैनल प्रमोट कर दो, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर गेन करवा दो। कंटेंट अच्छा कर लो, आपका चैनल अपने आप ही गेन होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी सारे जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो कहते हैं आप यूट्यूब पे रेगुलर रहिए, लेकिन रेगुलर रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली वीडियो डालनी डालनी है बिना कुछ सोचे समझे। उनका कहने का मतलब यही होता है कि रेगुलर रहो, लेकिन जब भी आप वीडियो डालो एक अच्छे कंटेंट के साथ डालो, एक अच्छे पूरे फुल ऑन पैकेज होना चाहिए उसका। क्योंकि आपने जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर आपने देखे होंगे उनका कंटेंट पूरा, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके पूरा उसको उसके पॉइंट बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तभी आप उसकी वीडियो को पूरा देखते हैं, उनकी वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं। और ऐसे नहीं उनके मिलियन सब्सक्राइबर हुए, उन्होंने 4 से 5 साल अपने चैनल को दिए हैं और यही चीज़ें ऑब्जर्व करके वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, अगर आपने 2021 में अपना चैनल ग्रो करना है, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, और जिन्होंने भी अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की है वो इस चीज़ को समझ के अगर वो अपने चैनल पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनका चैनल जल्दी से ग्रो होगा और अपने चैनल को मोनेटाइज करके अपनी यूट्यूब से अर्निंग शुरू कर देंगे। सो गाइज, उम्मीद है आपको ये जो क्वांटिटी विस क्वालिटी, आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। और जो भी नया क्रिएटर है इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे और अपने चैनल पे इम्प्लीमेंट करके अपने चैनल को ग्रो करेंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।